दोस्तों, स्वागत है नए व्लॉग में। अभी हम बालासिनोर के रायोली गांव में डायनासोर फॉसिल पार्क में आए हुए हैं। कार हमने पार्क कर ली है, बाहर थोड़े फोटो खिंचवाएंगे और फिर हम टिकट लेकर डायनासोर म्यूजियम पार्क में जाने वाले हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ की टिकट प्राइसिंग क्या क्या है। 3 साल के कम बच्चों के लिए टिकट प्राइस नहीं है, 3 से 12 साल के बच्चों के लिए टिकट प्राइस 30 रुपीज़ और एडल्ट की टिकट प्राइस है 70 रुपीज़। साथ में आप 5D और VR फिल्म देखना चाहते हो तो उसकी टिकट 50-50 रुपीज़ है। तो हम सब ने 170 रुपीज़ की सारी टिकट ले चुके हैं और VR के साथ 5D मूवी भी एंजॉय करने वाले हैं। तो टिकट लेकर हमने एंट्री कर ली है। इस म्यूजियम में सेंट्रल AC भी उपलब्ध है। डायनासोर के बारे में बहुत सारी जानकारी यहाँ पर पोस्टर में भी लिखी हुई है और वीडियो में भी दे रहे हैं। आप सारा म्यूजियम अच्छे से घूमना चाहते हो तो 5 से 6 घंटे का टाइम लेके आना। और अभी हम जिस म्यूजियम में आए हैं यहाँ पर डायनासोर के अलग अलग प्रजाति की माहिती देते हैं। आप देख रहे हैं इस पर बहुत सारे बटन दिखाई दे रहे हैं, कोई भी बटन दबाएंगे तो उस सब्जेक्ट से जुड़ा डायनासोर की माहिती आपको प्रोजेक्टर में देंगे। तो बहुत ही शानदार प्रोजेक्टर बनाया हुआ है, आप मैन्युअली भी इसे देख सकते हैं। और यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, जितनी देर जो भी प्रोजेक्टर रूम में आपको रहना है वो रह सकते हैं और अच्छी तरह से जानकारी ले सकते हैं। टच स्क्रीन LCD से भी आप बहुत सारी जानकारी विविध लैंग्वेज में आप ले सकते हैं। साथ ही में बहुत सारे प्रोजेक्टर तो है ही और पोस्टर भी लगाए हुए हैं। ऑल ओवर हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा। आपको ज़रूर से गुजरात के बालासिनोर के रायोली गांव में आना चाहिए। बालासिनोर फॉसिल पार्क भारत का जुरासिक पार्क कहलाता है। यहाँ 6.5 करोड़ साल पुराना डायनासोर के जीवाश्म और अंडे मिले हैं। इसके पीछे की एक कहानी है, वो भी आपको मैं सुनाता हूँ। राजकुमारी आलिया सुल्ताना बाबी एक गांव में घूम रही थी, तब उन्होंने देखा कि एक महिला सिलबट्टे पर एक पत्थर से मसाले पीस रही है। यह पत्थर देखने में अद्भुत था। राजकुमारी समझ गई कि यह पत्थर कोई सामान्य चीज़ नहीं है। इसके बारे में पता किया गया तो खुद राजकुमारी आलिया हैरान रह गई, क्योंकि यह पत्थर कोई आम पत्थर नहीं था बल्कि डायनासोर का अंडा था। दोस्तों, अभी हम अलग अलग गैलरी में जा रहे हैं और डायनासोर की माहिती को वीडियो में शूटिंग कर रहे हैं। तो आई होप आपको आने वाले वीडियो में वो सारी चीज़ें अच्छी लगेगी। यहाँ एक नई प्रजाति भी मिली जो 6.7 करोड़ साल पुरानी थी। वैज्ञानिकों ने इस प्रजाति का नाम राजा सौरस नर्मदेंसिस रखा। जो नर्मदा नदी और राज परिवार का प्रतीक है। राजा सौरस 30 फुट लंबा एक प्राणी था जिसके सिर पर ताज जैसे सिंह थे। उसकी लंबी घुमावदार गर्दन उसे बेहद खूबसूरत बना देती थी। यहाँ पर 10,000 अंडे मिले हैं और बहुत सारी अस्थि भी मिली है डायनासोर की।
आगे आपने 3D मूवी का सीन देखा, उसकी कोई भी अलग से टिकट नहीं देनी पड़ती, वो 70 रुपीज़ की टिकट में इंक्लूड है। यहाँ पर 15 से 20 अलग अलग रूम बनाए गए हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्टर, पोस्टर और वीडियो दिखाते हैं हमें। रायली गांव में कैसे डायनासोर के अवशेष मिले, उसका एक मॉडल बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से खुदाई किया और अस्थि और अंडे निकाल के लाए। पुरातत्व विभाग वालों को भी यहाँ पर एक मॉडल बनाया गया है, जो बिल्कुल ही इंसान की तरह दिख रहा है और कैसे लैब में काम करते थे वो भी समझाया गया है। अभी आगे आने वाला वीडियो बहुत ही सुंदर होने वाला है, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्टर को इकट्ठा करके वीडियो प्ले होगा और बहुत ही सुंदर व्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए लाइक तो बनता है, तो ज़रूर से लाइक करना। Thank you.
दोस्तों हमने 3D फिल्म भी देखी और अभी हम डायनासोर की 5D फिल्म देख रहे हैं। 5D फिल्म में बहुत ही मज़ा आया, बिल्कुल ही डायनासोर की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं ऐसा लग रहा था। दोस्तों नेक्स्ट शो अभी VR फिल्म का है, तो अभी हम VR फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं। फॉसिल पार्क से निकलते ही बाहर एक शॉप है जो म्यूजियम की ही है, वहाँ पर डायनासोर के रिलेटेड आप कुछ चीज़ें भी खरीद सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।